तो वह था कि भाई उपलब्धि फलावसानी धात पढ़ते हैं, आपने कैसे कह दिया था प्रथम, तब जब आप देख रहे हैं मैंने जो कहा था तुमने ठीक से सुना नहीं है, मैंने कहा तो उपलब्ध आभास फलावसान होता है, उपलब्धि फलावसान नहीं होता। इससे जो है आत्मा में विक्रय उत्पादन अवसान था, मैंने नहीं कहा गया ये स्पष्ट कर दिया था, किसी भी प्रकार की क्रिया का उत्पादन करना ही है फल जिसका, अवसान मन फल अंत जिसका, ऐसा मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा कि माया न उक्तम, ये मेरे द्वारा नहीं कहा गया। यहां पर थोड़ा विचार में बताया था, काफी चीज समझना है। बुद्धि में प्रतिबिंबित हुए उस चैतन्य को चिदाभास के नाम से कहते हैं, बुद्धि में जो परिचय है उसका नाम चिदाभास। तो उपलब्धि तो आत्मा का स्वरूप है, वो अलग चीज है, विशुद्ध है, हम कहते हैं चिदाभास। विशुद्ध चेतन तो है नहीं, अगर विशुद्ध चेतन नहीं है तो जड़ है, इसको संशय नहीं। इसलिए आभास को भी आरमादिक दृष्टिकोण से जड़ ही कहा जाता है, क्योंकि अवर दृष्टिकोण से चैतन्य बद आभास अंत्याते हुए चैतन्य में वो चैतन्य के समान आभासी को रहे, उसका नाम चिदाभास रखा। इसे व्यावहारिक और प्रातिभासी भाष के सत्ता में आवास को भी चेतन कर दिया, पारमार्थिक में एक ही चेतन कोई दूसरा तो ही, और जीव ब्रह्मे बना पर जिस आवास का जीव कह रहे हो भी जीव ब्रह्मे को कह चुके हैं मुख्य सिद्धांत। इसलिए जब भी कहीं इसे बातें आती थी चेतावास को जड़ कह दिया तो घबराने की नहीं, देखा ना किस दृष्टिकोण से कहा, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक दोनों दृष्टिकोण से हमेशा ही आवास को चेतन कहा। लेकिन जैसे उसने कल हमने पूछा था कि कहा था कि उसने वो भी जवाब देता है, हाँ प्रकाश दे रहा है, वो भी चीजों को अग्नि में प्रकट कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप में उसका कार्य नहीं कर सकता है ना। आप उसके पास जाइएगा तो जा सकते हैं, सूर्य के पास भस्म हो जाएंगे, और गर्मी की तरह ताप देता है तो शिरा छुड़ा देता है, इन दर्पण से प्रतिफलित प्रकाश से पसीना छूटेगा, उसके पास जाए जल जाओगे नहीं ना। अरे प्रकाश का तो है, प्रकाश करता है और किंचित चलाने के कार्य भी कर सकता है, कांच विशेष के द्वारा उसको छोड़ेंगे किरणों को कागज को जला देगा, कोई को जला, इतने मात्र से सूर्य समान नहीं हो गया, वो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो प्रकाशित तो करता है, इसलिए तो आवास कहा, इसलिए उसका नाम आवास, उतने अंश में काम कर रहा है, पूर्ण रूपण वही नहीं है, पूर्ण रूपण उसको वही नहीं कर सकते, नहीं तो सारा कार्य दिखना, जो उसको जो जो उसमें दिखता है उसमें दिखना चाहिए। सुषुप्ति में जो ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है वो चिदाभास है कि शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म चिदाभास साक्षी चेतन नहीं, और स्वप्न में जो स्वप्न है चिदाभास चिदाभास और प्रकाशित वही कर रहा है, वही कर रहा है, स्वप्न है ना वहां मन बुद्धि है ना, उसमें अंतक्रम तो है स्वप्न काल में, इसलिए वो आभास से प्रकाशित हो रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, जागृत मन बुद्धि आदि है कि आप आभास प्रकाशित करना ऐसे भी कर लेगा, नहीं सुषुप्ति में तो कोई नहीं रहते ना, इसे शुद्ध ही कर, तो जागृत में हमारे अंदर के जो विचार है उनको कैसे आभास प्रकाशित करता है, सब चौधरी ना उसको करने की ये विशिष्ट के द्वारा काम चल रहा है, सामान्य व्यापक को क्यों लेना, इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं व्यावहारिक सत्ता प्राथमिक सत्ता में सभी को प्रकाशन चिदाभासी करता है, तो वृत्ति व्याप्ति और फलव्याप्ति में अंतर करते हैं कुछ लोग, यही है वही क्या, तो वृत्ति व्याप्ति में कहते हैं अंतर की जो है वो शुद्ध चेतन प्रकाशित करता है, नहीं नहीं गलत बता, ऐसे नहीं, वृत्ति व्याप्ति का मतलब देखा अंदर को जो बाहर को विषय को व्याप्त करना वृत्ति व्याप्ति है, अंतर्वासी का लेना देना है, विषय को व्याप्त कर लेना देना वृत्ति व्याप्ति है, और विषय का जो वृत्ति का विषय को वृत्ति जिसको व्याप्त किया उस विषय को प्रकाशन करने फल व्याप्ति है, दोनों से सकता है, जागृत में स्वप्न है विषयों को प्रकाशन करना ये फल व्याप्ति हो, ताकि आपको ज्ञान मैं इस चीज को जाना, यदि प्रकाशन नहीं हुआ तो वृत्ति व्याप्ति होने पर भी आपको पता नहीं चल रहा है क्या है कि विषय प्रकाशन नहीं हुआ सम्यक प्रकार से,
आगे में पता नहीं क्या है, कोई चीज है तत्त्व किंचित इदा उसको निर्विकल्प ज्ञान के अनुरोध करते हैं। इसका जो विकल्प है तत्पर नहीं हुआ, उसका प्रकार का निश्चय नहीं हुआ, संसर्ग का निश्चय नहीं हुआ, विशेष का निश्चय नहीं हुआ, मतलब विशिष्ट का निश्चय नहीं हुआ। और विशिष्ट का निश्चय प्रकाशन से ही होता, फल व्याप्ति से। और वहां क्या है, ब्रह्म विषय नहीं है, ब्रह्म विषय है क्या, उसको प्रकाशन करेंगे, ब्रह्म ब्रह्म को प्रकाशन करके हम चलाएंगे भाई बहुत आएगा, ब्रह्म ब्रह्म को प्रकाशन नहीं करेगा, आत्मा को प्रकाशन नहीं करेगा, फल व्याप्ति नहीं है। एक ब्रह्म को वृत्ति ग्रहण करता है, व्याप्त करता है, से वृत्ति व्याप्ति, और कैसे, श्रोत शब्दों के माध्यम अखंड वाक्यों के द्वारा हम ब्रह्म को ब्रह्मा का वृत्ति बना पाते हैं, इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। इसे वो फल व्याप्ति नहीं, तो प्रकाशन करने जरूरत है, तो प्रकाश ही खुद ही प्रकाश है, क्या प्रकाशन करोगे, प्रकाशन की जरूरत विषय नहीं है वो, ये वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति की अलग चीज है। इसलिए मैटर वह वृत्ति के द्वारा विषय को स्वीकार कर लेना, व्याप्त कर लेना, ग्रहण करना, उसको वृत्ति व्याप्ति। और जिसे उस व्यक्ति ने व्याप्त कर ले, ग्रहण किया, उसको प्रकाशन करना, और जिसको फलस्वरूप आप ये समझेंगे मैंने इसको जान लिया, वो फल व्याप्ति। तो जागृत और स्वप्न में चिदाभासी प्रकाशन हो गए, कोई आपत्ति नहीं, क्या अंदर का विषय जब बाहर कुछ हो सकता है। इसलिए हमारा प्रयात है स्थूल भूख सूक्ष्म भूख, मेडिकल परिषद में सबको ही भोक्ता बनेगा, और तद्वारा वास्तविक शुद्ध चेतनी आभास में क्या अपने आप में मिथ्या है, बुद्धि कल्पित है, कल्पित बुद्धि में कल्पित आभास प्रतिबिंब है, कोई वास्तविक तो कुछ है नहीं यहाँ, आभास भी वो भी कल्पित ही है, बुद्धि जड़ है, सपना वो प्रतिबिंब जड़ ही है। अच्छा आप बोलते हैं वैसे कि आपका चेहरा बोलेंगे दर्पण से, आप चुप हो जाइए, आप थक गए मान लो, चुप हो जाओ, दर्पण में खड़ा करो तो दर्पण बोले लग जाए, वो तो बोलता नहीं वो जड़, लेकिन चैतन्य का कार्य उस आभास से हो रहा है प्रकाशन आदि, इसलिए हम उसको चैतन्य कह देते व्यवहार के चिदाभास, नहीं तो पारमार्थिक से वो भी जड़ी है, ये अंतर को धरण। इसलिए यहां पर भी कार्य देती है, जब ये वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, उपलब्धि रूप ही है, क्रिया नहीं है, स्वरूप है। और द्वितीय प्रति जो चैतन्य उसे चिदाभास कहते हैं, और इसी चिदाभास जो बुद्धिवृत्तियों के परिणाम का प्रकाशक है, जो बुद्धिवृत्तियों के परिणाम का प्रकाशक भी चिदाभासी, तो स्पष्ट बोल रहे हैं वही मैंने जो चिदाभास वही क्या है, बुद्धिवृत्तियों के परिणाम का प्रकाशक है, उसी का एक ही अधिकारी चेतन, एक ही चेतन जो था इस बुद्धिवृत्तियों जैसा काम कर रहा होगा, जिसको प्रकाशन कर रहा है, बुद्धिवृत्ति ने मानो क्रियात्मक किया, बुद्धि ने विषय को पकड़ा, बुद्धिवृत्तियों ने जो जो कर रहे हैं उसके आधार पर एक चेतन जो था उस वाले का नाम पड़ गया। क्या क्या नाम पड़ता है, उपाधि वश वो कर्ता नाम पड़ गया, भोक्ता नाम पड़ गया, विज्ञाता नाम पड़ गया, उपलब्धा नाम पड़ेगा, समर्था सर्वाधिष्ठाता अंतर्यामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ जितने भी नाम है, इस उस एक ही का नाम पड़ रहा है ना, बुद्धिवृत्तियों पर निष्ठ बुद्धिवृत्तियों पर अलग नाम पड़ेगा, एक समिष्ट बुद्धि आपने मान ली उसके अनुसार अलग अलग नाम पड़ गया, और क्या, और निष्ठ समिष्ट ये है कि दो उपाधि आपने मान लिए का विद्या माया करके, हम अपने आप को निष्ठ मान रहे से हमने अपनी उपाधि कह दिया, मैं निष्ठ हुई ना, तो ये आपने विचार आने लग जाए, अनुभव होने लग जाए, मैं कोई अलग निष्ठ विष्टि हूं नहीं, मैं एक समिष्टि के अंतर्गत हूं, मैं ही समिष्टि हूं, मैं इसके जो शरीर है उसके एक अवयव है, मेरा एक अवयव है, सब मेरे ही अवयव है, जब सबको आप अपना अवयव रूप में खा जो बोलते हैं उस रूप में अपने आप को मानेंगे, आप क्या हो जाएंगे, समष्टि में जाएंगे, कहा आपके आप इष्टि है, या आप इष्टि मान रहे हैं अपने आप को, तो आपके लिए व्यवस्था देते होगा एक समष्टि को कहना पड़ा, समझते दृष्टि में अंतर करने के लिए तो उपाधि माननी पड़ी, क्यों माया था, और उसमें उपाधि माया कह दी, यहां उपाधि अविद्या कह दी, ये सब केवल आप अपने आप जीव मान रहे हैं, ये संसार का सृष्टि एक ईश्वर को मानना चाह रहे हैं, जीव और ईश्वरवाद आपने स्वीकार किया, उसके लिए दो उपाधि निष्ठ समष्टि का, नहीं ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट है क्या, समझते आप कह रहे हैं माया उपाधि है,
कारण सूक्ष्म शरीर और उसे में आप विश्व तेजस प्राज्ञ कह दिया, विश्व तेजस प्राज्ञ आप कह रहे हैं वृष्टि, ये अविद्या के कारण से और माया के कारण से, अविद्या और माया के दो चीजें क्या? अरे प्रक्रिया में समझाने में अलग अलग कर लेंगे, शुद्ध सत्व में अशुद्ध सत्व का व्यवहार कर ले, समझाने की प्रक्रिया के वास्तव में है ये की और वहां भी कल्पित एक ही आकल्पित वस्तु आपका चीज है ब्रह्म, जिसलिए जगत ये कर रहा है इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ा वहां कि निर्गुण निराकार से जगत तो आ नहीं सकता, कुछ उस अधिष्ठान में मानना पड़ेगा जिसके लिए हमें उस आत्मा में सारा जगत दिख रहा है। तो क्या है तो लेटेड बीएक्स के हिसाब से सुपोजिशन में हमने कहा उसको माया कह लो, माया नाम से कहो, विश्वतियों ने माया नाम से कहा माया भी पूर्ण पहते माया तो प्रतिज्ञा माया तो महेश्वरम श्रुतियां है, इसलिए हमने ये नाम दे दिया माया, श्रुति का आधार पर नाम दिया, अपने मन से नहीं दे रहे, श्रुति में दिया है और श्रुति में अविद्या श्रुति आएगी माया चविद्या सही लगो तो श्रुति वर्णन है और अविद्या मृत्यु की अविद्या अमृतम अश्रुति और अविद्या और विद्या शब्द का प्रयोग होता है, यहां जो नाम भी दे रहे हैं ऐसे मन माने थोड़ा दे रहे हैं, शंकराचार्य कोई प्रक्रिया वाले श्रुतियों में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उन्हीं शब्दों को प्रयोग करके उस श्रुति में किस अर्थ में सब प्रयोग हुआ होगा वो सारे समझ करके पौरवा पर विचार करके प्रकरण अनुसार ना निर्णय आपको बताते हैं। एक ही वो चेतन इस बुद्धि वृत्तियों के कारण से क्रिया कर रहा है तो करता हो गया, शुद्ध भोग रहा है तो सारा भोगता हो गया, मनन कर रहा है तो मनता हो गया, निश्चय कर रहा है तो विज्ञाता हो गया, एक ही करने का नाम हो रहा है, अब जब प्रकाशन कर रहा है उपलब्धि तो उपलब्धा नाम रख दिया उसका, नाम अनेक हो जाते हैं कोई उपाधि के, उपाधि के वृत्तियां, वृत्तियां चंचल है अनित्य है अनेक बनते हैं इसलिए उसका नाम भी रखो। तो यहां समझा रहे जैसे उसका नाम प्रमाता क्यों पड़ा, विशिष्ट चैतन्य के साथ अभेद करके प्रकाशमान वृत्तिस्थ आभास आश्रय के रूप में भाषित होने वाले आत्मा को प्रमाता कहते हैं, आत्मा ही प्रमाता हो गया कैसे आभास के माध्यम से, क्योंकि ये जो प्रमाणों का इस्तेमाल करके बुद्धि ने क्या किया, प्रमाणों का इस्तेमाल करके कोई चीज को जाना, तो कैसे जाना चढ़ होते हुए आभास की सहायता से, आभास कहां से आया आपके आत्मा से, इसे आत्मा कोई वास्तव में प्रमाता कह देते हैं, आत्मा कोई कर्ता कह देते हैं, ये प्रक्रिया लंबी भ्रमित हो गए आप अन्योन्य कारण से बुद्धि और आत्मा की, आप जिसे बुद्धि कर रही है बुद्धि के अलग अलग नाम पड़ रहा है उसको आत्मा नहीं देगा, वो एक आत्मा में कैसे आगे समझा रहे देखिए कि वो जो है विशिष्ट चैतन्य के साथ में अभेद हुआ प्रकाशमान वृत्ति जो चैतन्य और वृत्ति चैतन्य कौन था आवास और उसका भी आश्रय कौन है उस आभास का भी, वो आभास का भी आश्रय आसपास भी कहीं ना आश्रित है ना, आभास भी कहीं से किसी वजह से बनी हुई है बुद्धि उसको आभास आश्रय कहेंगे शुद्ध परमात्मा, तो आभास आश्रय के रूप में भाषित कौन हुआ आत्मा ही प्रमाणों के माध्यम से व्यवहार करता हुआ इसलिए भाषित हो रहा है, इसे आत्मा का इनाम प्रमाता पड़ गया, वही आत्मा जब कर्मेंद्रियों को अधिष्ठान बनाकर क्रिया और प्राण प्रधान होकर के अंतर्लिंग के माध्यम से आभास विवेक करने लग जाता है तो और वहां पर क्या होता है फिर विवेक नहीं रह जाता है, जब कर्मेंद्र से कार्य करने जाएंगे ज्ञान नहीं हो रहा है क्रिया हो रही है तो उसका नाम आत्मा पर निर्भर करता, और फिर शुभाशुभ कर्मों पर स्थापित अंतर परिणाम विशेष के कारण से अविवेक के कारण अपना ही समझने वाला आत्मा भोगता हो जाता है, यहां भी अविवेकी है सुख दुख हो रहा है बुद्धियादियों से और मैं इसके लिए दुखी बोल दिया, ये अविवेक के कारण से वहां होता हुआ क्रिया को लेकर अपने आप में कर्तृत्व ले लिया, वहां हुआ भोग उसको लेकर अपने आप में भोक्तृत्व हो गया, सब अविवेक के कारण से होता है, और वही फिर क्या हो जाता है सभी चित्त विलास अवस्थाओं को स्वरूप चैतन्य का अनुगम करने मात्र से साक्षात भाषित कराता हुआ सा भाषित होने वाला अलुप्त प्रकाश असंदिग्ध अविपर्यस्त अविषय
जो साक्षी चैतन्य है उसको हम उपलब्ध भी करते हैं, साक्षी भी करते हैं, ज्ञात भी करते हैं। सबसे असंगत रहता है। इधर अंबा वापिस है, चित्त विलास अवस्थाओं को स्वरूप चैतन्य का अनुगम करने मात्र से, सब चैतन्य अनुगम है सब चैतन्य सभी में, उतने मात्र से क्या हो गया, साक्षात अवभाषित आत्मा ही हो रहे इसलिए आभास के आभास हम लोग कह रहे हैं बुद्धि के माध्यम से आगे करके है क्या, वो किरणी तो है आप दर्पण के माध्यम से किरणी को तो यह छोड़ा, दर्पण से किरण थोड़ा निकला, दर्पण का किरण नहीं कहा जाता है, दर्पण से प्रतिफलन हुआ कहा गया, ये भाषा पड़ता है रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि रेस आ गया दर्पण से किरण निकल गए, नहीं सूर्य के किरण दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्शन और ये क्या है, ये भी किरण ही है, दर्पण के माध्यम से टकरा करके वहां से निकल इधर आ गए, यू जा रहे थे किरण और उधर से इधर आ गए, इधर उसको भेजने वाला एक साधन था दर्पण है वही किरण। इसी तरह से हम आभास कह दे रहे हैं, वास्तव में भी क्या है, वो चैतन्य ही है, बुद्धि को टकराया और वहां से चैतन्य यहां दिख रहा है, प्रकाशन कर रहा है तो मैं आपको देखो वहां विषय टकरा करके इधर आया, इसलिए भले उसको आभास कह देते हैं जड़ भी कह देते हैं, वाक्य विचार करके देखते हैं तो क्या था, वो किरण ही उधर से इधर आया, जैसे चैतन्य उधर से इधर आया और सब प्रकाशन। इसीलिए ही हम लोग ये विवेक नहीं करते हैं तो यहां की क्रिया उस प्रकाशन प्रकाश करने वाले के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं। प्रकाश कौन है, आत्मचैतन्य आत्मा, और क्रिया कहां है, जड़ में, उन लोगों को तादात्म्य कर लिया, उन्होंने ध्यास कर लिया, सिर्फ क्रियाओं का कर्तृत्व अपने प्रकाशक में डाल दिया, चाहे ज्ञानेन्द्रियों का हो रहा हो चाहे कर्मेंद्रियों के द्वारा हो रहा, चाहे सुख दुख है चाहे दौड़ना भागना उठना बैठना है, इसलिए उसे नाम कर्ता भोक्ता हो जाता है। ऐसा जो ये चैतन्य है वो कैसा है अपने आप में, वह अलुप्त प्रकाश वाला है, उसका प्रकाश करो नहीं होता, बुद्धि सो जाती है, इसलिए प्रतिफल आत्मिका चैतन्य हम नहीं देख रहे, व्यापक चैतन्य तो है ही, ये सब बुद्धि भी है सोई हुई है, सुषुप्ति में भी तो आत्मा है व्यापक है, लेकिन विशिष्ट नहीं भाषित हो रहे से उसका नाम निश्चित आभास, विशिष्ट आभास हो रहा है ना, प्रकाशन हो रहा है हमको स्वप्न जान, वो सुषुप्ति काल में नहीं है, यह अंतर करने के लिए आपको समझाने के लिए कहना पड़ता है कि बुद्धि के नाम माध्यम से चैतन्य आया था, और वो क्या था, अनित्य था, कि बुद्धि अनित हो गई ना तो प्रकाशन करने प्रतिबंध करने वाली अनित्य हो गई, कभी है कभी नहीं है जुगनू जैसे हो, अरे वो पहले अनित्य है, उसका जो जगना सोना अनित्य है, इस वजह से प्रतिफलन आपको अनित्य भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन चैतन्य तो नित्य हो गया, पर बुद्धि है तावकाल पर रहेगी, चाहे सोई रह रही चाहे जगी रह रही चिदाभास हो पड़ा रहेगा, जब बुद्धि हटा दो क्या बचेगा, चिदाभास है काम चैतन्य, दर्पण हट गया कहां गया सब प्रतिफलन, सूर्य नहीं वो तो वही है ही है अलग है ही नहीं, उपाधि कारण से अलग प्रतीति होने लगी थी, तो अलुप्त शक्ति वाला अलुप्त प्रकाश है, असंदिग्ध है, अविपर्यस्त है और अविषय होता हुआ सर्व साक्षी होने से उसका उपलब्ध पड़ा, साक्षी पड़ा, ज्ञाता पड़ा, और वृत्ति के विनाश होने से प्रत्यक्ष चिदाभास का विलय हो गया, तो वृत्ति खत्म हो जाएगी तो वृत्ति में जो प्रतिफलित चेतन आ रहा था और वृत्ति खत्म हो गया तो आएगा क्यों, जब तार निकाल दे तो बिजली कहां आएगी, भवन में तार निकल गए अब बिजली है, तार जब तक है तो बिजली आएगी, जब तक वृत्ति है तब तक चेतन उस पर चल रहा, और वृत्ति ऐसा हो गई अच्छा वापस कहा है, अब आपको कहना पड़ेगा उस अविद्या पे ही चला वास है, अविद्या तो रहती है ना, अविद्या तो मिटी नहीं, अविद्या सुषुप्ति में अविद्या पर ही चैतन्य का आभास पड़ता है, अतएव वह आभास से आपको अविद्या का अनुभव हो गया, जिसको आप बाद में कहते हैं न किंचित दर्शन कुछ नहीं जाना,
मैं अज्ञानी बने पड़ा था, अज्ञान का अनुभव हुआ तो कौन किया? उस अविद्या वचन चैतन्य की, अविद्या प्रतिफलित जो चैतन्य किया, जो अविद्या का कार्य बुद्धि पर प्रतिफल पड़ सकता है तो अविद्या पर इनको नहीं पा सकता है। माया हमारी प्रतिफल पड़ रहा है, इसलिए आपको समझाने के लिए वैश्विक समृष्टि को उन्होंने क्या कि पैसे शिकार में घट जल में और मेघ आकाश में भी प्रतिफल होता है, मेघ में भी और घट जल में। उधर आप जो पढ़ रहे उसका नाम माया, रथ के इधर जो है उसका नाम अविद्या उपाधि होगी, घट और मेघ, और दोनों जगह प्रतिफल पड़ रहा है। बाद में तो प्रतिफल पड़ेगा, जल है और नीचे कटोरा में रहेगा, इस जल में प्रतिफल पड़ेगा, दोनों में पड़ेगा। तो यहां पर भी हमने इसे दो उपाधि का माना, दो प्रतिफल पड़ेगा, माया में भी पड़ेगा, विद्या में भी पड़ेगा, बुद्धि में भी पड़ेगा, उसे आगे वाले में नहीं पड़ता। अहंकार मन आदि स्थूल होते जाते हैं, रजोगुण तमोगुण बढ़ते जाता है, कहानी वहां समाप्त हो। जब तो सत्व प्रधान है, अविद्या भी शुद्ध अविद्या से कह देते, अविद्या भी शुद्ध अविद्या, अशुद्ध अविद्या नहीं है, शुद्ध अविद्या है, प्रतिफल पड़ता है। और शुद्ध अविद्या का ही कार्य शुद्ध बुद्धि, बुद्धि में प्रतिफल पड़ेगा, उससे अभी जब कार्य पड़ता है अहंकार और रजगुण हो गया, रजगुण हो गया प्रतिफल नहीं पड़ेगा, प्रतिफल हो गया उस वृत्ति के कारण से, अंतर वृत्ति के कारण से अपने आप को नहीं। इसे कारण देखो जो उपलब्ध हो गया, जब वही वृत्ति का विनाश हो जाता है हो जाता है, किंतु उसका संस्कार रहने कारण से में क्या होगा, पूर्वाहुत विषय का स्मृति वृत्ति होगी, उस स्मृति वृत्ति पर भी आभास आ जाएगा, तब उस आभास विशिष्ट स्मृति करने वाले को हम क्या नाम रख दिया, स्मरता, स्मरण करने वाला, उसी आत्मा का नाम पढ़ के स्मरण करने वाला। तथा आभास द्वारा उस आत्मा को हम स्मरता कहते हैं, समस्त कार्य कर्म प्रपंच उपलक्षित उसी चित आत्मा को तद अनुवृत्त सत्ता का भेद रूप में उसको सर्वाधिष्ठान कह देते हैं। सब तात्पर्य है और भी और बेहतर कारणोपाधि के अभिवेक से और अलुप्त ज्ञान शक्ति के रहने से वही अंतर्यामी आदि शब्दों का वाच्य होता है, कारणोपाधि का अभिवेक हो गया। अविद्या उपाधि यहां माया उपाधि वहां उसका अभिवेक है, किंतु ज्ञान शक्ति अलुप्त नहीं होता, पर अंतर्यामी सभी में रहकर सबको जान रहा है, लेकिन वहां भी अपने कारण से अविवेक है। समष्टि हम कह रहे हैं, समष्टि ईश्वर को भी अपने कारण का अविवेक है, कोई तो मुक्त है वो, उपाधियों में भी किंचित अविवेक मानना पड़ेगा, यहां जितना है अविवेक उतना नहीं है वहां, कब चलते इंद्र को भी भ्रम हुआ, इंद्र को भी जाना पड़ा प्रजापति के, इसलिए कहते हैं वहां भी अंदर अविवेक होने से वो ज्ञान शक्ति स्वरूप नहीं हो रहा है, सब कुछ जानने का सामर्थ्य उसका रहता है, इसे उसको अंतर्यामी कहते हैं। इस उत्तर और सर्वज्ञ होगा, सर्वविद्ध होगा, सारी चीज इसी प्रकार से बता देगा। ऐसा कहते अविद्या के शास्त्र से भाषमान होता हुआ भी आत्मस्वरूपतः निर्विकार निर्धर्म को असंग और कूटस्थी है। शिष्यवाच अवशेष कहते हैं कथम तभी कूटस्थ है मई अशेष स्वाविशिचित प्रचारोपलब्धित्व इति अर्थ, ऐसा आपने कहा है, आपने जो है कैसे कैसे कहा। शिष्य बोलता है कि आपने यह क्यों कहा था कि मुझ कूटस्थ में अपने चित्त की वृत्तियों के द्वारा जो जो कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है उस ग्रहण के निमित्त को उपलब्धित्व जो है इस उपर अर्थात उपलम्बक हो जाता है, आपने क्यों कहा। तो गुरु कहता है सत्यम एव वोचम, ठीक है मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन लगता उस पंक्ति को भी ठीक ठीक समझा नहीं, उस पंक्ति को भी ठीक नहीं समझा, ते नहीं कुटस्थताम अवोचम तवा, मैं तो उस वाक्य से कुटस्थ को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो कहां चला जा रहा हूं, जिस वाक्य से मैं कुटस्थ का बोध कराने का प्रयास कर रहा हूं उस वाक्य तुम तो विशिष्ट में चले जा रहे हो, मैं उपलब्धा को सिद्ध नहीं करना चाह रहा हूं किंतु उपलब्धि रूप से उसको सिद्ध करना चाह रहा हूं,
जिसने वो उपलब्धि स्वरूप ही है, इसलिए उसको वह उपलब्धि स्वरूप जो ज्ञान है, आत्मा है, वह जब किसी प्रकाशन करता है तो सर्व उपलब्ध होता है। ये जब मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य मेरा उसका प्रकाशकत्व में नहीं, किंतु उसका प्रकाश स्वरूपता को सिद्ध करने में, उस बात को, उस बिंदु को, विचार बिंदु को पकड़ो, भ्रांति दूर होगी। वो कहता है शिष्य, यदि एवं भगवान कूटस्थ नित्योपलब्धि स्वरूप में, तो मैं तो कूटस्थ नित्योपलब्धि स्वरूप हो जाऊंगा। कि उपलब्धित्व तो कभी है कभी नहीं है ना, जागृत स्वरूप में उपलब्धित्व है, सुषुप्त में तो है नहीं, ऐसे साक्षात रूप में अनित्य था। अब उपलब्धित्व आप कहते औपाधिक बात करता, मैं आपको उस वाक्य से उपलब्धि स्वरूप प्रकाश स्वरूपता को लक्षित कर रहा था। यदि ऐसा कहते हो फिर तो मैं तो नित्य उपलब्धि स्वरूप हो गया, नित्य कूटस्थ हूं मैं तो। ऐसा मुझ में शब्द त्याकार बोध प्रत्यु मत स्वरूप उपलब्धि आभास बलावसान बद सु उत्पत्ति मानेशु कस्त अपराध मम, कैसे मेरा क्या अपराध है, कहां में जब फंसा हूं समझ में नहीं आ रही मेरे को, करता यदि मैं नित्य उपलब्ध स्वरूप भी हूं फिर मेरे को सुख दुख आदि सताते हैं, ये क्या है मामला, कहां फंस रहे बीच में। आपके समय लगता है कि मैं नित्य उपलब्ध स्वरूप भी हूं, इधर वृत्ति वृत्तियां सुख दुख आदि भी हो रहा है, कर्तव्य लोग तो आदि आ रहे हैं, इसे मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या गलती है, कमी है या दोष है, क्या कारण है मेरे को दोनों चक्कर में पड़ रहा, दोनों ये कैसे हुआ पूछ रहा है। नित्य कूटस्थ उपलब्धि स्वरूप में ही, और क्या दूसरा शब्द त्यागकर बोध प्रत्यक्ष च मत स्वरूप उपलब्ध आभास फलावसान अवत्सु, कि शब्दादि आकार बुद्धि के जो प्रत्यय बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, मेरे में तो नहीं बन रहा ना, मैं जो कूटस्थ हूं मेरा ही आभास पड़ा। मैं कर आगे मत स्वरूपोपलब्धि, दर्शन क्या था उपलब्धि रूप, वह दर्शन क्या हुआ आभास पड़ा, और वो आभास क्या किया विषय का फलावसान बन गया, पर मैंने विषय गड़पड़ा दी, उनको प्रकाशन पर्यंत प्रवृत्त हुआ, अर्थात मैं जो उपलब्धि रूप हूं मैं आभास के माध्यम से वृत्ति को पकड़ते हुए वह घटादि का प्रकाशन तक चला गया, और घटादि का प्रकाशन सुख दुखी हो गया। उत्पत्ति मानेशु, ऐसा जब हो रहा है आप कहते हो, दोनों बात आपने समझा दिया, लेकिन इसमें मेरा कहां अपराध हुआ है, मैं कहां इसमें कीचड़ फंस रहा हूं, यदि वास्तव में कूटस्थ नित्य उपलब्धि स्वरूप ही हो, ऐसा मुझ में ही सब कुछ हो रहा है तो मेरा क्या सत्यम, ठीक वास्तविक तुम्हारा ऐसा कोई अपराध नहीं है, नास्ति तव अपराध किंचित अपि, तुम्हारा कोई अपराध नहीं था, किंतु गुरु बोलते किंतु चेहरे पहले कह देना ये भी करे, किंतु ठीक कह रहे हो तुम्हारा वास्तविक कोई अपराध नहीं, किंतु एक छोटा सा अपराध पहले मैंने बताया था, वो अपराध याद करो तुम, तुम्हारे अंदर एक अविद्या है, तुम अविवेक कर रहे हो, इस विवेक पे टिके नहीं रहते ना, मैं नित्य उपलब्ध स्वरूप इसमें टिको ना, तुम तो टिकते क्यों नहीं, भागते क्यों उस दृश्य में, अरे तुम उपलब्धि स्वरूप हो, तुम्हारी उपलब्धि रूपता कोई लेकर का आभास हुआ, आभास के माध्यम से तुम वहां पर जा रहे हो, ये चैतन्य भले व्याप प्रकाशन कर कुछ भी कर रहे हो, तुम आसक्त क्यों हो रहे हो, सुबह यह तुम्हारी अविद्या तुम बीच में टकाने है, यही तुम्हारा अपराध, या अविद्या को पाल रहे हो, चोर को घर में पालो और कातर पाल रहे, आज ये चोरी हो गया, आज वो चोरी हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, चिल्लाने से नहीं होगा, चोर को घर से निकाल दो, चोरी हो बंद हो गया, अविद्या को छोड़ तो सब काम हो गए, किंतु अविद्या मात्र अपराध इति प्रागेव अगोचर, मैं तो बात पूर्व में कह चुका था, तुम्हारी अविद्या के कारण से तुम दुखी सुखी हो रहे हो, तुम अपने स्वरूप पे निष्ठा नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप पे दृढ़ नहीं होते हो, कभी इधर आ जाते कभी उधर जाते हो, कभी कहते मैं ब्रह्म हूं कभी कहते मैं ब्राह्मण हूं, तो फसल फिर रो, अरे मैं ब्रह्म इसी में रहो ना, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, वो अविद्या छोड़ती नहीं, उसने चाहती बलाद नियच्छति माया, है ना, माया जब बंद कर ले जाती ज्ञान नाम पीछे तालसी वाली बात है, जबरदस्ती ले जाए तो भाग रहा उसका पीछे, काय को भाग छोड़ो,
चाहे जितने भी जोर लगाए उसके पीछे मत जा। आदमी का जब प्रतिपति लड़ाई होती है देखने लायक होता है, कई बार बिल्कुल यही होता है जो ये अविद्या का खेल चलता है। तब मेरे को वो ज्योति तुम्हारी ज्योति तुम चले जा, खूब चिल्लाता है आदमी, मैंने तुमको छोड़ दिया भाग जाए यहां से, सुनी नहीं तो मैं जाता हूं, कर घर से बाहर भी निकल जाता है, चला जाता है दोस्त के चाय के लिए, फिर आता अरे छोड़ के चला ही गया तो कह को आया भाई, इतना गुस्सा हुआ है और पीछे घूम के देखते रहता है क्या रिएक्शन हो रहा है वहां, वो क्या सोच रही, क्या बोलेगी, क्या करेगी ऐसे थोड़ा सीधा चला जाता है। अब देखता है कि ये बुला ही नहीं रही, कुछ बोल ही नहीं रही, हाथ नहीं जोड़ रही है, मान नहीं रही है, तो चला जाता है अपने मित्रों के यहाँ, चला जाता है होटल में बैठ जाते हैं चाय पानी करके चुपचाप रात्रि आ जाता। ये जो व्यवहार जो है जो देखने के मिल रहा है अविद्या का खेल कैसे चलता है, किस तरह से होता है, वही तुम्हारा अपराध है। यदि भगवान सुषुप्ति में मम विक्रिया नास्ति कथम स्वप्न जागृते, ठीक है भगवान ये बात ये जाते हैं कहा उसको मैं मानता हूं, यदि मैं कूटस्थ टिकाऊ विक्रिया है नहीं मुझे, जैसे शिशु में कोई विक्रिया नहीं दिख रही है वैसे मुझमें कोई वास्तविक क्रिया नहीं है, फिर जागर सब क्यों बार बार हो जाते हैं, खातों सब जागृत है। तम गुरु कहते हम गुरु रहा किंतु अनुभूय थे त्वया संततम, तब गुरु ने कहा भाई तुम्हारे स्वभाव तो नहीं है लेकिन तुम निरंतर अवस्थाओं का तुम्हारे सतत अनुभव किया जा रहा है, कहीं ना क्या तुम वास्तव में उसको निरंतर अनुभव कर रहे हो, तो पूछ कुछ आते नहीं निरंतर नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो अनित्य है। मैंने पूछेगा तात्पर्य क्या, जिस तुम सब लोग जैसे परेशान हो रहे हो क्या वो नित्य है क्या, सीधा नहीं बोलकर गुरु इस तरह से पूछ रहे हैं, क्या तुम निरंतर उसको अनुभव कर रहे हो, सुख दुख को जागृत स्वप्न में सुख दुख क्या निरंतर अनुभव हो रहा है तेरे को, किम संततम अनुभूयते, वो कहेगा ना मैं निरंतर का अनुभव कर रहा हूं, सुषुप्ति में तो रहता नहीं मैं जागृत करना स्वप्न, कहते फिर तुमने स्वीकार कर लिया ना जागृत स्वप्न नित्य है और मैं नित्य हूं ये बात तो मान लिया तुमने, फिर कहता है वो शिशुवाच बाढ़ अनुभवामी, इस चित्र में जागृत स्वप्न अनुभव कर रहा हूं किंतु विच्छिद्य विच्छिद्य न तो संततम, बारंबार वो जागृत टूट जाता है, स्वप्न में चले जाता हूं स्वप्न टूट जाता है, फिर जागृति में आ जाता हूं, बार बार ऐसा होता है, निरंतर केवल जागृत भी नहीं केवल स्वप्न भी नहीं, आते में जागृत और स्वप्न कहने का तात्पर्य नित्य नहीं, क्यों उसे स्वीकार कर लिया, पकाता स्वयं न तो संततम मैं नित्य में अनुभव नहीं कर रहा हूं, नित्य नहीं कर रहे हो, तब गुरु कहते ठीक है फिर तुम समझ रहे हो थोड़े थोड़े वेदांत, तभी आगंतुक न तव आत्मभूते, इसका मतलब है ये जागृत स्वप्न क्या है सुषुप्ति आगंतुक है, आते जाते हैं आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले के लिए क्या कहा गीता में आगवा पायन भारत उसकी दिशा करो, उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो तुम्हारा आत्मभूत नहीं है, तुम्हारा स्वरूपभूत नहीं है, न तो आत्मभूत है, क्यों क्योंकि यदि तब आत्मभूत है चैतन्य स्वरूप स्वतः सिद्ध संतते आता, यदि तुम्हारा आत्मभूत होते और तुम्हारा चैतन्य स्वरूप जैसा नित्य निरंतर है सर जागृत स्वरूप नित्य निरंतर होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए भाई, जैसे जागृत स्वप्न शिशु तीनों अवस्थाओं में तुम्हारे चैतन्य रूप अव्यभिचरित है ना, वैसी अवस्थाएं भी अव्यभिचरित रह जाती कोई हृदय क्यों होना सकता, या तो जागृत ही सदा या तो स्वप्न ही सदा या तो सदा सोए जाए सुषुप्ति सदा, लेकिन ऐसा कभी किसी को एक अवस्था सदा होता ही नहीं, इसीलिए सिद्ध हो गया तुम्हारे चैतन्य स्वरूप के समान ये जो है तुम्हारे स्वभाव कोटि नहीं है स्वरूप कोटि में नहीं है, ये आगंतुक है किंच इतने नहीं स्वप्न जागृत न तब आत्मभूत है, व्यभिचारित वस्त्राद्युत अनुमान से सिद्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव बताया अब अनुमान भी दे रहे हैं
ये जो जाग स्वप्न जागृत है वे कभी आत्मभूत नहीं हो सकता, स्वरूपभूत नहीं हो सकता। क्यों? विचारिता कि जो मेरा स्वरूप होगा वो नित्य होगा, निरंतर होगा, एक रूप होगा, और स्वप्न भी एक रूप में अलग अलग हो जाता है, जागृत भी एक जैसा रूप नहीं होता। जागृत में क्या होता है, आत्मा आत्माओं की भाषा में देख लो, कभी तो 100 रुपए तक 6 मिल जाता है, कभी 500, कभी 1000, ये रोज ही 500 ही मिल रहा है क्या, रोज सभी 1000 ही मिल रहा है, किसी भी मामले में एक रूप रहता है जागृत। स्वप्न तो अलग अलग है ही, रोज अलग अलग स्वप्न देखते, इसलिए कहते कि देखो भाई ये जो बात है कि व्यभिचारी है जागृत और स्वप्न, इसे तो रात स्वप्न रखता उसी प्रकार जिस प्रकार से वस्त्र आदि बंध नहीं ऐसी स्वरूपारिष्ट कि जो जिसका स्वरूप हुआ करता है वह कभी उसका व्यभिचार नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। इस अग्नि का स्वरूप उष्णता है तो वह उसमें कभी अग्नि को छोड़ के नहीं रह सकता, और रह रहा है तो मतलब उसका स्वरूप नहीं है। स्वप्न जागृत है तो चैतन्य मात्र विचरता, स्वप्न और जागृत दोनों ही चैतन्य मात्र सांस है, निरंतर व्यभिचरित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जड़ात्मक सुषुप्त चित्त स्वरूप में विचरे तन्नष्टम नास्ति ते बाध्यम वस्यात्, क्योंकि आप देख ही रहे यदि स्वरूप होता तो सुषुप्ति में विचरित कैसे हो जाता, नष्ट के समान हो गया वहां पर जागृत और स्वप्न, अथवा नास्ति ते बाध्यम वस्यात्, जागृत को स्वप्न में सुषुप्त में है नहीं, नष्ट हो गया समझते हैं आप, और स्वप्न को जगने के बाद बाधित कर दे रहे हैं। यदि स्वरूप होता वो नष्टम न स्यात्, नाश नहीं होना चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए था, नहीं नष्ट हो रहे हैं, बाधित हो रहा है, इसका मतलब है दोनों ही स्वरूप नहीं है। आगंतुकानां अतद्धर्माणां उभयात्मकत्व दर्शनात्, जो आगंतुक होते हैं, जो अतद्धर्म माने आत्मा का धर्म आत्म स्वरूप नहीं है, जो माने अनात्म रूप है, जो उनमें दोनों देखे जाते हैं नाश और बाध, नाश और बाध दोनों उन वस्तु में देखे जाते हैं जो अनात्म रूप ही है, और ये स्वप्न जागृत ऐसे ही आगंतुक के नाते ये भी अनात्म रूप है, इसे इनका नाश या बाध देखा जाता है। यथा धन वस्त्र आदि नाशो दृष्ट हो, जैसे धन वस्त्र आदि क्या है हम देखते हैं इनका नाश होता है, क्योंकि आगंतुक है स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से स्वप्न भ्रांति लब्धा नाम, स्वप्न भ्रांति से लब्ध जो सर्प आदि है वे भी कैसे है तो अभाव दृष्ट, कोई बाई तो उनका अभाव था अतएव स्वप्न जागृत को कभी भी हम अपने स्वरूप कोटि में ले ही नहीं सकते, वो तो जड़ है, वो अनात्मा है, स्वरूप कोटि में नहीं। तब शिशिरचरण एवं भगवन चैतन्य स्वरूपम अपि आगंतुकम प्राप्तम, तब तो चैतन्य स्वरूप का भी आगंतुक हो जाएगा कि हम जागृत हैं तो हम चैतन्य महसूस कर रहे हैं, और सुषुप्त गए तो हम जड़ हुए, वहां तो जड़ता महसूस हो रही है, पढ़ा कुछ पता ही नहीं है, इस मतलब कभी चेतनता है कभी चेतनता नहीं है, अगर मेरे चेतन स्वरूप भी आगंतुक हो सकता है, ये शिष्य पूछने लगा। इसे जागृत स्वरूप सृष्टि परस्पर व्यभिचारी है, चैतन्य भी व्यभिचारी होता हुआ दिख रहा है, वो कहता लेकिन हम कहते हैं भाई सृष्टि तुम जड़ जैसे था, ये किसने कहा, मैं जड़ रूप से पड़ा था, मैं कुछ नहीं जानता था, दूसरे कह रहे तुम किसने बताया, यदि आप नहीं थे चेतन नहीं था वहां पे प्रकाशन किसने करा वहां, और जगने पर तुम ऐसा बात तुम कहां से बोल रहे हो, जो थी वहां पर यदि आप सुषुप्ति बिल्कुल नहीं है फिर जगने पर आप सुषुप्ति का अनुभव करें कैसे बोल सकते कोई बात। एक गुरु समझाता है ऐसा मत कहो ना पश्य, अरे बेटा ऐसा मत देख, कहां तुम चक्कर में गलत गड़बड़ कर रहा है, गलत सुषुप्ति में नहीं था तुम कैसे कह रहे हो, चैतन्य में विचार हो गया, ऐसे मत देखो ना पश्य, ऐसे मत विचार करो, क्यों तद अनुपत्ते है, थोड़ा धैर्य से चिंतन करो, तुम्हारी बात उत्पन्न नहीं हो सकता, युक्ति सिद्ध भी नहीं हो पाता है, अनुभव से कहां से होना, थोड़ा बताइए कैसे। देखो चैतन्य स्वरूप चित आगंतुकम पश्य, ये तुम लगभग ऐसा अनुभव आ रहा है लग रहा है कि चैतन्य का स्वरूप भी आगंतुक है,
तभी पश्य यदि आगंतुक हो जाए फिर देख लो क्या होता है स्थिति। उससे पहले थोड़ा शिष्य के बात को समझ लो, जिस तरह से यह थोड़ा अच्छे से विकल्प दिया है उसको देखते हैं। सुषुप्ति में दृष्टि रूप चैतन्य का अनुभव नहीं होता, ठीक है, परंतु जागृत अवस्था में उसका अनुभव होता है, अगर चैतन्य भी आगंतुक ऐसा मैं सोचता हूं कि शिष्य को पक्षपण ने कहा है, उसे गुरु ने उससे उसको विकल्प से जवाब दिया, दोबारा प्रश्न जो बोला विकल्प करने के लिए, विकल्प क्या है उसे ये पूछा जा रहा है कि निरुपाधिक स्वरूप आगंतुक का कहना चाहते हो या बुद्धि वृद्धि चिदाभास को आगंतुक कहना चाहते हो, समझ में? जो तुम्हारा निरुपाधिक स्वरूप है, निर्विकार जो शुद्ध चैतन्य है वही आगंतुक है, ये जो आभास जो जागृत और स्वप्न को प्रकाशन कर रहे थे ये आभास वहां पर नहीं था कहना चाह रहे हो, ये आगंतुक है। ये है कि बुद्धि में ही को लेकर आप मान गए तो ये आभास सूक्ष्म में नहीं है, यदि अविद्या में भी मान लेते आभास तो वहां भी है, लेकिन ये कभी बुद्धि में रहती है कभी अविद्या में रहती है तो ये आगंतुक ही मान गया आभास, कभी तो जागृत स्वप्न बुद्धि में रह गई रहेगा आभास और सुषुप्ति में अविद्या में रहा आभास, तो भिन्न अधिकरण हो गया वो, कभी इधर कभी उधर हो गया तो भी वो व्यभिचारी माने जाएगा, लेकिन चैतन्य तो एक रूप से व्यापक है। ऐसा हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो चैतन्य का अभाव मेरे को अनुभव हुआ, कौन सी चैतन्य, आभास चैतन्य को ये शुद्ध चैतन्य को लेकर तुम आगंतुक कह रहे हो, ये विकल्प लेकर के जवाब दे रहे हो। अब आगे बढ़िए, नहीं तो वर्षते नुपत्या कल तुम शक्नु या शक्नु वयम अन्यो अचैतन्यो अपि तस्य सहगतत्वात् पारात्यम अनेकत्वं नाशित्वं च न केचित् उत्पत्त्या वायितुं शक्या। अरे देखो भाई, नहीं तद वर्ष शति न उत्पत्त्या कलितुं शक्य शक्नुमो वयम, पहला पक्ष जो लेते हो निरुपाधिक स्वरूप है आगंतुक कहते हो, यह तो कभी कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता उसको आगंतुक करके, वर्ष शति न अपि 100 साल लगा लो, सारे कानों बैठा रो, रोज रोज बैठाओ बैठक लगा दो, 3-3 घंटे की मीटिंग रखो और वो भी विचार करके भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि निरुपाधिक विशिष्ट चेतन भी आगंतुक है, किसी भी युक्ति से किसी भी तर्क से क्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये तद यह बात को वर्ष तना उत्पत्तिया कभी तुम वयम न शक्नो, और ऊपर से भाषा भी दे रहे हम तो नहीं कर सकते, तुम्हारी बुद्धि हो तो कर ले, बहुत बड़ा प्रतिमान बन रहा है तुम अपने आज को सिद्ध कर सकते हो तो कर लो, लेना हम लोग तो नहीं कर सकते, साफ कर दे वयम तो न शक्नु अन्यो व अचैतन्य होती, और दूसरी की बात कहते हैं अचैतन्य आभास हो उसको भी तुम सिद्ध नहीं कर सकते आगंत, तो विवेक से हम समझा रहे हैं आपको कि बुद्धि में जान स्वप्न में रद्दिया विद्या में सुषुप्ति में सुषुप्ति काल में अद्या प्रतिबिंब पड़ा रहता है, आभास करता है। यानी एक शिष्य जैसे यहाँ पर प्रश्न करने करता क्या दृष्टिकोण से क्या है आभास वहां भी है, वो अनुभव कर ही रहा है, मैं कुछ नहीं जानता तो सुखपूर्वक सुन रहा था, ये दो अनुभव के विशेष है, ये किसने प्रकाशन किया वहां पर, या तो शुद्धात्मा करके बोलना पड़ेगा या तो अविद्या पर आभास को मानना पड़ेगा, मैं आभास थी चाहे बुद्धि पर थी चाहे बुद्धि बात थी आभास को भी आगंतुक तुम नहीं कह सकते, अधिकरण कर विचार होने से उसको आगंतुक भले व्यवहार कर रहे हो, कभी अविद्या में कभी बुद्धि में है, कभी कारण में है कभी कार्य में है आभास, अगर आभास का अधिकरण के विचार होने से आभास को आप आगंतुक कहना चाहते हो वो भी उचित नहीं बनता है, कि आभास तो रहा चाहे यहां रहता वहां रहा तो सही लगता, जैसे कोई किस बात पे कर्जा दिया या कि कर्जा लिया था मान लो, और दूसरे शहर का आदमी था वहां शहर में जाके आपने गांव में आ गए चल कर्जा लेके, आओ आदमी कर्जा मांगने आया वहां के सामने बैठा हो, चाहे आप उसको कमरे में बैठा दिया ठीक है आप रुकिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन चाहे सामने हो जो कमरा में हो लेकिन है तो आपके सर पे आप इधर लगा रहता है पता नहीं कब गुस्सा होगा कब क्या होगा चाय पड़े कराओ सर ऐसा करते रहते उसमें कराओ कराओ भाई ये तो व्यवस्था ना करे कुछ मान ले
नहीं सामने रहेगा तभी आपको सरदर्दी है, ऐसा नहीं है। आपके मकान में भी गांव में भी कहीं भी रहते तो सरदर्दी आपको बदनाम न कर दे, अनेक प्रकार की बातें होती है। जरा आवास से यहां बैठा जाए वहां बैठा उन्हीं के भरा पड़ना है। आवास तो आवास है, चाहे विद्या पे है चाहे बुद्धि पर है, तो आवास बैठा हुआ है दुख देने के लिए बैठा हुआ तैयार। इसलिए आवास को तुम वास्तव में आगंतुक नहीं कह सकते, आप न शुद्ध को कह सकते हो न आवास को कह सकते हो। आगंतुक कौन है? वृत्तियां आगंतुक की, उससे तुम भ्रमित हो रहे हो, खुद को ही तुम आगंतुक मान बैठे हो। जागर स्वप्न के वृत्तियां वहां नहीं थे, मगर अविद्या का वृत्ति थी, उसको तुम विवेक नहीं कर पाए, इसे तुम्हें लगा तुम वहां था ही नहीं। ऐसा नहीं, तुम वहां थे, तुम प्रकाशन भी कर रहे थे अविद्या का वृत्ति को और असुखाकार वृत्ति को भी तुम देख रहे थे अनुभव कर स्वरूप में स्वरूप सुख को। इस बात को तुम काट नहीं सकते, तुम थे वहां, मैं नहीं था ऐसा मत कहो। इसीलिए न शुद्ध को तुम इनकार कर सकते न चैतन्य को इनकार, मैं अशुद्ध जो अभास को इनकार कर सकते हो। तस्य सहतत्वात्, क्यों? क्योंकि वो है ही सहत। आवास क्या है? उपाधि वस्तु है ना, सहत ही माना जाएगा उसको भी। तस्य सहतत्वात् पारार्थम अनेकत्वम नाशित्वम च न किजुत्यम वारयितुम शक्यम, उसकी पारार्थता अनेकत्व और नाशित्व को किसी के भी युक्ति के द्वारा वारण करना संभव नहीं है, माने वो उसका नाश हो नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन आवास खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उपाधि कारण से प्रतीत हो रहा है ना। ये दर्पण को मिटा दो, अब कहां दिखेगा प्रतिफलन, प्रतिबिंब कहां रह जाएगा, में चला जाना पड़ेगा। लेकिन दर्पण शाश्वत जैसा नहीं है, ये बुद्धि विद्या भी तो शाश्वत नहीं है। आभास में कहां नित्य होगा, इसलिए उसका नाश निश्चित है, उसके अनेकत्व भी निश्चित है। क्योंकि उपाधि ये करेंगे हजारों करोड़ों बुद्धियां हैं, हर बुद्धि में अलग अलग पड़ेगा। सहतत्वात् उसके पारार्थता अनेकत्व और नाशित्व को किसी के भी द्वारा वारण करना यहां संभव नहीं, और शुद्ध चेतन का अभाव सिद्ध करना किसे संभव नहीं। ये दोनों ही बात ध्यान रखना। एक अस्वार्थस्य स्वतसिद्धि अभावात् इत्यवचाम, के पूर्व में हम सिद्ध कहे कह चुके हैं बात, जो अस्वार्थ जो अपने आप में स्वरूप में सिद्ध नहीं है, वो अन्य से जो सिद्ध होते हैं वह कभी भी स्वतः सिद्धत्व भावाद इति स्वतः सिद्ध न होने के कारण अस्वार्थ वस्तुओं का अविनाश निश्चित है, उसे कोई वारण नहीं कर सकता। पूर्व में भी हम कह चुके हैं, चैतन्य स्वरूप सिद्ध आत्मा स्वतः सिद्ध है, और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है हमारा अपना स्वरूप, वह तो स्वतः सिद्ध है। अन्य अनपेक्षकम न केंद्रित वारित, उसकी अन्य अनपेक्षता को भी किसकी तरह वारण नहीं किया सकता है, क्योंकि उसकी अन्य अनपेक्षता जो होती है वह निश्चित रूप से जो है ना अव्यभिचारा सर्वनिरपेक्ष साक्षात अप्रोक्ष है, तो साक्षात अप्रोक्षता को कोई वारण नहीं कर सकता है। इस प्रकार से दोनों विकल्प को उन्होंने खंडन करके कहने का तात्पर्य स्थापित किया, ये सारा खेल केवल तुम्हारी बुद्धि वृत्तियों को लेकर के चल रहा है, और उसको तुम अपने ऊपर कभी ले लेते हो, और कभी शास्त्र से समझाता हो तो उसको छोड़ देते हो, और फिर उसमें भाग जाते हो, फिर उसके आधार पर शंका करते हो। बार बार तुम्हारे चल रहा है, विवेक धारण करो, धैर्य पूर्वक उसको निष्ठा पूर्वक दीजिए, विचार करके स्थिर करो इस बात को कि मैं कुटस्थ चेतन कभी भी विचलित नहीं होता, और आभास हो चाहे आभास के कारण से प्रतीत हो सारा जगत भी क्यों न हो, सब के समय विचारी है वे, कभी उनको अविविचारी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये सब श्रुति प्रमाण से दो श्रुतियां हैं, सबसे मुख्य श्रुति तो वही है आपका यद वेतन न पश्यति पश्यन वेतन न पश्यति, ये तुम्हें लग रहा है तुम शिशु को नहीं देख रहे हो, लेकिन तुम देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। यद वेतन न पश्यति है, तुम कह रहे हो मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं अपने आप हूं करके मालूम नहीं हो रहा है मेरे को सुषुप्ति में, ऐसा नहीं कहना। क्यों? पश्यन वेतन न पश्यति, उसको देखते हुए तुम नहीं देख रहे हो। क्यों जी?
क्योंकि श्रुति कह रही है नहीं दृष्टो दृष्टिर्पलो को विद्यते अविनाशित्वात्। लौकिक काल में जो दृष्टा मान रहा था, इस दृष्टा की जो वास्तविक जो दृष्टि है, इस आभास का भी जो मूल है विशुद्ध चेतन, उन कर्म के लोग होते ही अविनाशी होने के नाते न तो तद्वितीयम् अस्ति तत्त्वाद्वितीयम् भक्तम् यत् पश्येत्। फिर मां क्यों नहीं अनुभव हो रहा था 400 के समान, इसलिए 400 के समान तुमको आपको अनुभव नहीं हो रहा था कि वहां पर दूसरा कोई दूसरा चीज जागरूक स्वप्न के समान जो प्रमाणों के द्वारा प्रमेय रूप में ग्रहण करने योग्य कोई चीज वहां नहीं था। इतना स्पष्ट श्रुति कहती है तद द्वितीय नास्ति किसे ततो अन्य विभक्त, उससे अन्य अलग होकर कोई दूसरा चीज नहीं था जिसको वो देख सके। इसलिए तुम्हें कोई घटपटा नहीं ना दिखने के कारण से या स्वप्न के पदार्थ के समय कोई वास्तविक पदार्थ नहीं दिखने के कारण से इसके समय तुम वहां भी खोजने लगा कोई चीज मिल जाए ना इसको प्रकाशन करके पकड़ लो, नहीं मिला तो तू सोचने लगा कि वही नहीं था, कारण के तो वस्तु नहीं था प्रकाशन करने लायक कोई, इसे तू प्रकाशन नहीं किया लेकिन तू प्रकाश रूप तो था। जैसे सूर्य रहता ही है भले किसी प्रकाशित करे ना करे, प्रकाशित पदार्थ रहेगा तो प्रकाशन करेगा और बादल ढक दिया तो प्रकाशित पदार्थ उसके लिए है ही नहीं तो प्रकाशन नहीं करेगा। नहीं तो है सूर्य ही नहीं है, चार दिन सूर्य उगे नहीं तो ये समझेंगे उठा ही नहीं था क्या, फिर उगा और अस्त भी हुआ है ना, आपको नहीं दिखा कि दिन भर बादल नहीं पा रहा, बारिश ही बारिश था, हफ्ता हफ्ता और बारिश होते रहता है, कुछ दिखता नहीं है कभी सूर्य। ऐसे ही बहुत क्षेत्र है, कई जगह ऐसे भी है छह महीना लगातार सूर्य दिखता रहता है, छह महीना लगातार रात साफ खिड़के काले बनाने पड़ते सोने के, सो ही नहीं सकते आप दिन में भी, रात्रि 12 बजे दिन जैसे 12 बजे जैसे प्रकाश होता है अलास्का इत्यादि में, ऐसे क्या मान रहा है सूर्य ने जो कहा सबका ही नोदेति नास्तमेति छठे उपनिषद में आया। तो ये जो चीजें हैं जो तो उपाधि के कारण से है ना, तो उपाधि के कारण से सूर्य तो है ही, चाहे प्रकाश पड़ रहा है नहीं पड़ रहा दिख रहा है नहीं दिख रहा है सूर्य प्रकाश तो मिटा नहीं, तो जब तुम नहीं मिटे हो तुम प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाश नहीं था तुझसे भिन्न जिसको तुम प्रकाशन करके कह सके मैं इसको देख रहा हूं इसको अनुभव कर रहा हूं ये बोल सके ऐसा तुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं था, इसे तुम्हें लगा कि मैं नहीं था ये भ्रांति। इस तरह से पूर्ण जवाब दिया तब पूर्व पक्षी शिष्य के तन में विचारो दक्षितो मया सुषुप्ते न पश्यामीति, आप जो कह रहे हैं चेतन में विचार कहीं नहीं है, इन मेटों को विचार दिखाया ना सुषुप्ति में चेतन ही नहीं था, लोग भी कहते जड़ हो गया जड़ होकर सो गया, अरे तुमको चिल्ला तो सुना ही नहीं लोग बोलते यदि मैं था तो सुना क्यों नहीं, मैं कितना चिल्लाया दरवाजा थोड़ के आना पड़ा तो इतना गदा जैसे सो गया, लोग कहते हैं ऐसे व्यवहार होता है तो चैतन्य में विचार दिख रहा है, वास्तविक सुषुप्ति काल में जड़ ही रहता है चैतन्य नहीं रहता है। ऐसे शिष्य कहते हैं तुम्हारे ही वचनों से बोध तो व्यापार दोष हो रहा है कि तुमने क्या कहा सुषुप्ति न पश्यामी, पश्याम का मतलब क्या मैं था मैं सुषुप्ति में नहीं देखा, वो देखने वाला देखने की कोशिश की कुछ नहीं था नहीं दिखाई दे, तुम कह रहे हो सुषुप्ति में मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो मैंने जो मैं कौन है वो था ना, इसे तुम झूठ बोल रहे हो, वह तो व्याप्त तो शुद्ध देखो क्या ना मैंने मेरी जुआ ही, अरे बोल रहे हो जीवानी कैसे कहते हो बोल भी रहा है जीवानी मजवा नास्ती, वाक्य प्रयोग जैसे है वैसे तुम्हारे ये वाक्य भी है सुषुप्ते नाम पश्यामी, ये तुम्हारा वाक्य भी जीवा मम नास्ती वाक्य के समान व्याहतत्वा व्याहत, तो मुझे कदम व्याघात अरे व्याघात दोष कहां से आ गए यहां, तो उसको समझाएंगे।